अब खबर रूस से, जहां की सेना एक ऐसा युद्धाभ्यास कर रही है जिससे पश्चिमी देश घबरा गए हैं। पुतिन की सेना उनका 2022 के जरिए अपनी तैयारियों को परख रही है। कहां पर हो रहा है ये युद्धाभ्यास और क्यों इससे पश्चिमी देश परेशान हो गए हैं, पूरी कहानी सिर्फ 2 मिनट में। समुद्र में रूस की परमाणु क्षमता वाली सबमरीन तैनात हैं। पुतिन की सेना क्रूज मिसाइलें दाग रही है। 400 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा रही है। तस्वीरें आर्कटिक महासागर की हैं और रूस की सेना उनका 2022 नाम के सैन्य अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियां परख रही है। सबमरीन से मिसाइल दागने के अलावा कोस्टल मिसाइल सिस्टम ने भी समुद्र में करीब 300 किलोमीटर दूर सटीक निशाना लगाया। रूस का यह सैन्य अभ्यास आर्कटिक महासागर के पूर्वी हिस्से चुकची सागर में हुआ, जो रूस को अमेरिकी राज्य अलास्का से अलग करता है। दरअसल रूस अपने विशाल आर्कटिक क्षेत्र को रणनीतिक रूप से काफी अहम मानता है और पिछले कुछ वर्षों से यहां सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। इस क्षेत्र को रूस यूरोप और एशिया जाने वाली कार्गो शिप्स के वैकल्पिक रास्ते के तौर पर तैयार कर रहा है। रूस के इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने से पश्चिमी देशों में घबराहट है। रूस ने अपने इस युद्धाभ्यास का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। रूस ने कहा है कि इस सैन्य अभ्यास में उत्तरी समुद्र तट में मौजूद जहाजों से मिसाइलें दागी गई। रूस ने इस सैन्य अभ्यास का आयोजन ऐसे वक्त में किया जब उसकी ज्यादातर सेना यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझी हुई है। इस महीने की शुरुआत में भी उसने अपने पूर्वी हिस्से में सैन्य अभ्यास किया था, जिसमें करीब 50,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इन सैन्य अभ्यासों के जरिए पुतिन की सेना अपनी तैयारियां परख रही है ताकि किसी भी स्थिति का सामना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।